आज आप सबको बताना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं और मेरी बेटी आज न्यूयॉर्क सिटी में हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत खुश हैं। सब कुछ आसानी से मिल रहा है, पैसा आसानी से आ रहा है, सफलता मिल गई है, रिश्ते सुधर गए हैं, मैं सेहतमंद भी हूँ और सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस भगवान का शुक्र है, जो चाहती थी वो सब मिल गया। मैं बहुत दुखी हूँ आज, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं हार चुकी हूँ। मुझे सब लोग मुझे बुराई करते हैं, मैं सबसे बुरी इंसान हूँ, मैं फेलियर हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं थक चुकी हूँ, मैं हार चुकी हूँ। आई होप आप समझ गए हैं क्या समझाना चाहती हूँ मैं। योर बॉडी क्रिएट्स मिराकल्स गाइस। आप अफर्मेशंस बोलते हैं और आप बोलते हैं कि मैं रोज अफर्मेशन बोल रही हूँ कि आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, लेकिन अगर बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, इट विल नॉट वर्क। रिपीटिंग अफर्मेशन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स कई लोग कर रहे हैं, बट इफ योर फ्रिक्वेंसी इज नॉट द राइट, इफ योर बॉडी लैंग्वेज इज नॉट द राइट, योर माइंड एंड बॉडी इज नॉट इन द रिदम, इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क गाइज। सो आपकी फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी, आपके उसके इमोशंस क्या बोल रहे हैं, क्या वो वही कहानी कह रहे हैं जो आपके शब्द बोल रहे हैं। सो आपके शब्दों की कहानी और आपके बॉडी की कहानी एक ही होनी चाहिए गाइज, तब होते हैं मैनिफेस्टेशन। आज किसी भी हद तक आप हार जाएं, आप परेशान हो, ट्रस्ट मी, सिर्फ चेहरे पे स्माइल लेके और झूठ बोलने की कोशिश कीजिए, नहीं कर पाएंगे। अगर मैं स्माइल करूं बहुत अच्छी सी और मैं बोलूं मैं परेशान हूँ, मैं हार चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ, क्या मैं बोल पाऊंगी? मैं नहीं बोल पाऊंगी, इन शब्दों के मतलब ही नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर आपने चेहरे पे स्माइल किया तो आपका ब्रेन आपको वो शब्द बोलने ही नहीं देगा गाइस। आपकी बॉडी जब सफर करने के लिए रेडी रहती है तभी आप सफर करते हैं। यानी आपके चेहरे पे अगर स्माइल नहीं है, हमने अक्सर देखा है जब हम अपसेट होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, हमारे शोल्डर्स झुक जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। सो पहले आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, फिर आपके ब्रेन में वो इमोशंस जाता है। आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आप बीमार फील कर रहे हैं, सबसे पहले आपकी बॉडी पे असर होगा। तो अगर आप सच्ची में दुनिया जीतना चाहते हैं, बॉडी को सही इमोशंस में रखिए, शोल्डर्स पीछे रखिए, चेस्ट बाहर रखिए। यस आई कैन डू इट, आई कैन अर्न इट, आई कैन विन द वर्ल्ड। जब आप ये कर रहे होंगे बॉडी के साथ, भले ही आप नकली कर रहे होंगे, आपका ब्रेन वही कर रहा होगा जिस तरह के आप बॉडी की फिजियोलॉजी को ट्रेनिंग दे रहे हैं गाइस। इसीलिए ये बॉडी और आपके पोस्चर्स और आपकी वॉक बहुत मायने रखती है। ये वॉकिंग मेडिटेशन का एक मैंने वीडियो बनाया था, तब भी यही समझाया था। आपकी जिंदगी में थोड़ा सा दुख आता है, सबसे पहले बॉडी रिएक्ट करती है। बॉडी पे ध्यान रखिए, बॉडी को रिएक्ट मत करने दीजिए। यू नो, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, फट से बॉडी नहीं। आप आपका अगर पैर दुख भी रहा है, ट्रस्ट मी, चेहरे पे स्माइल करिए। आपका ब्रेन को पता भी नहीं चलेगा कि पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, परेशान है, बैंक बैलेंस जीरो है, कुछ भी नहीं। आपकी बॉडी और आपके शब्द अगर मैच कर रहे हैं तभी ब्रेन कुछ करेगा। सो बोल रहे हैं आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, अगर ये बॉडी लैंग्वेज के साथ बोल रहे हैं, अफर्मेशन इज नॉट गोइंग टू वर्क। हे कम ऑन, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम सो रिच, आई एम सो सक्सेसफुल, आई एम सो जॉयफुल, आई एम अमेजिंग, आई एम ब्यूटिफुल। आपकी शक्ल पे ब्यूटी नहीं भी होगी तो भी आ जाएगी, बिकॉज आपके ब्रेन को आप वो मैसेज दे रहे हैं और वो बॉडी में। सो आपकी बॉडी को पहले रेडी करिए अपनी सक्सेस के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने जॉय के लिए। बॉडी के साथ आप थोड़ा सा प्ले करना शुरू कर दीजिए। ट्रस्ट मी गाइस, चेहरे पे अगर आपने एक नकली स्माइल सुबह से शाम तक ओढ़ ली ना, आपका ब्रेन दुख की बातें ही नहीं कर पाएगा। करिए, स्माइल करके देखिए और बोलिए मैं दुखी हूं। हंसी आ जाएगी और आप बोल नहीं पाएंगे
मैं बहुत दुखी हूँ, मैं नहीं बोल पाएंगे, मैच ही नहीं करेगा। तो सबसे बेस्ट टिप दे रही हूँ आज आपको कि अगर आपको खुश रहना है, सक्सेसफुल होना है, प्लीज ट्राई टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस सिंस मॉर्निंग टू नाइट। कि कुछ भी हो जाए मेरा स्माइल रहेगा फेस पे, मतलब आपका फेस स्माइल रहना चाहिए। उसकी वजह से आप सफर नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी सफरिंग हो। सो यू कैन रिजेक्ट सफरिंग जस्ट ब्रिंगिंग स्माइल ऑन योर फेस। दिस इज अ टिप फॉर द डे। सो थैंक यू सो मच गाइज। और आप सबका इंतजार है, ऐसी बहुत सारी बातें बताने वाली हूं मैं आपके करोड़ों की बातें वेबिनार में। सी द एनर्जी, बिकॉज मैं बॉडी से बात कर रही हूँ। सो अभी अगर मैं बोलूं आप आ रहे हैं ना करोड़ों की बातें, योर बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है आपके मैनिफेस्टेशन में। कम ऑन गाइज, हम सीखेंगे करोड़ की बातें वेबिनार में। व्हाट शुड बी योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू कैन यू नो ट्रेन योर बॉडी टू बी सक्सेसफुल, एंड देन यू विल बिकम सक्सेसफुल। सो लव यू गाइज। 15 अप्रैल लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, करवा लीजिए। और बहुत कुछ बताने वाली हूँ, बिकॉज जब मैंने लास्ट टाइम दिवाली पे लिया था दिवाली स्पेशल, उसके बाद मेरी 6 महीने की जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है, तभी मैं यहाँ न्यूयॉर्क में ऐश कर रही हूँ बैठ के। और सो लव यू गाइज, मिलती हूँ मैं आपसे 1 मई को करोड़ की बातें वेबिनार में। सिन थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।